इंदौर बीजेपी में चुनाव के बाद अब पदाधिकारियों के बीच आपसी घमासान का मामला सामने आया है। इंदौर की मंडल अध्यक्ष के आत्महत्या की धमकी मामले में कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा में पार्टी की ही दलित महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन भाजपा नेता दिल्ली के एक मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इंदौर में भाजपा विधायक महेंद्र हार्डिया के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के शिवाजी मंडल की महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष नारायणी बरेठा ने पार्टी के आधा दर्जन पदाधिकारियों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। बरेठा का 3 मिनट 39 सेकंड का एक वीडियो सामने आया है जो वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष के लिए जाति सूचक अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिससे प्रताड़ित होकर वह आत्महत्या करने का विचार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे पारिवारिक मामला बता रहे हैं। मुकेश नायक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में एक दलित महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, वह आत्महत्या करने की बात कर रही है, लेकिन भाजपा नेता दिल्ली के एक मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष नारायणी बरेठा ने एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जाति सूचक अभद्र शब्दों का प्रयोग इनके विरुद्ध किया जाता है और उन्हें इस हद तक प्रताड़ित किया जा रहा है कि वे आत्मदाह करने को मजबूर हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको अपना पारिवारिक मामला बता रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये पूछना चाहता हूं कि जब आपके परिवार का ये हालत है कि परिवार का सदस्य प्रताड़ित होकर, वो भी एक दलित महिला, ये कह रही है कि वो आत्मदाह करने को मजबूर हो रही है, इसको वो पारिवारिक मामला बता रहे हैं, ये कितना दुर्भाग्यजनक है। एक ओर तो दिल्ली के एक मामले को वो राष्ट्रीय मुद्दा बना रहे हैं, पूरे देश में चला रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने ही मंडल अध्यक्ष ने जो उनके विरुद्ध आरोप लगाए हैं उसको वो पारिवारिक मामला बता रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।